घनसोली परिसर में संजय पाटिल की व्याख्या अंकल के नाम से प्रसिद्ध थी। चाहे बच्चे हो या महिलाएं, इन सभी में इसी नाम से प्रचलित थे, जिनका उपचार के दरमियान मुंबई में लीलावती रुग्णालय में दुखद निधन हो गया। वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, हालांकि बड़े ही मजाकिया, हंसमुख और जिंदा दिल शख्स के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किया। इस वक्त पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक, विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले, एनसीपी अध्यक्ष अनंत सुथार, डेन आरोन के संचालक संजू गुप्ता, महेश लाल आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस समय कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय पाटिल को संजय अंकल ही लोग कहते थे, इसमें हर एक के मन में उनके प्रति जो भावना है वो प्रदर्शित हो रही है। संजय पाटिल का जाना ये सभी लोगों के मन को दुख हुआ है। खाली घनसोली गांव वाले नहीं तो पूरे कॉलोनी वाले और नई मुंबई में संजय पाटिल को जानने वाले हर एक इंसान के मन में एक दुख की भावना उभर आई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संजय पाटिल के आत्मा को चिर शांति दे। इस शोकाकुल माहौल में आज भी यहाँ दूसरा कोई अल्टरनेटिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से इस गांव के लिए, क्योंकि इस पूरे थाने बेलापुर इलाके में ये बहुत ही बड़ा गांव है और इस गांव का नेतृत्व हमेशा ही यहाँ पर संजय पाटिल अंकल, जो उनको प्यार से अंकल कहते थे लोग, उनके ऊपर रहता था। और मैं यहाँ पर इस शहर का मेयर होने के नाते उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर उन्हें वहाँ पर उनके शांति दे। देखिए, एक संजय पाटिल जो एक सोशल वर्कर था, उसने कभी जात पात प्रांत देखा नहीं, हर समाज के साथ जुड़ने का काम उनके माध्यम से हुआ था। एक सामाजिक कार्य करते वक्त कौन सा भी प्रोग्राम हो, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, नवरात्रि हो या हल्दी कुंकू समारोह हो, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। नया मुंबई में जो भी प्रोग्राम करने का, वो सबसे बड़ा ऐसे से उन्होंने एक काम किया, सामाजिक काम किया। कैमरामैन मूसा के साथ पंकज वेनवंशी की रिपोर्ट।